ताशी दिलेक तावांग न्यूज के सभी दर्शकों का मेरा फिर से नमस्कार और प्रस्तुत है आज के कुछ समाचार। ने एक रेजिमेंटल गीत का प्रदर्शन प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के तावांग जिले के चूना का दौरा करते समय प्रदर्शन किया। देखिए इस रेजिमेंट गीत का एक वीडियो। आज शिक्षा संस्कृत और स्वदेशी विभाग मामलों के मंत्री ताबा तेदिर के साथ विधायक तिरांग पुपाचरिन, शश्वत सौरभ आईएएस स्पेशल सेक्रेटरी सेकेंडरी एजुकेशन, सौम्या सौरभ आईएएस स्पेशल सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन का स्वागत जेडपीसी वेस्ट कामेंग, डीडीएससी एडीसी दिरांग, एचओडीस और दिरांग के वरिष्ठ नेताओं, छात्रों और शिक्षकों ने पारंपरिक पोशाक ने किया, जहां मंत्री ने सूचना एवं संचार प्रतियोगी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और बाद में वो तावांग के दौरे के लिए रवाना हो गए। अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गाव ने वेस्ट कामेंग जिले के कोम्बो गांव के पास तरमोबा में एक एएलजी की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त टीम का नेतृत्व किया। निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जनरल मैनेजर शांतनु फनकर ने नए केएलजी के लिए स्थल की फिजिबिलिटी पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद तापिर गाव ने स्थानीय लोगों से भविष्य के विकास के लिए भूमि दान करने का आग्रह किया और उनसे एएलजी के लिए जिला प्रशासन और अन्य हितधारकों के साथ सामन्य करने का अनुरोध किया। बुधवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 11 एथलीटों को नामित किया, जिनमें असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहान भी शामिल है। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने लवलीना को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन पर बधाई दी और साथ ही असम के श्रम कल्याण मंत्री संजय किशन ने भी लवलीना को बधाई दी। और अब आज के कोरोना रिपोर्ट। आज जिले में कुल 44 नमूने लिए गए, ट्रूनेट से 3, आरएटी से 41 और उनमें से एक पॉजिटिव पाया गया। अब जिले में कुल 22 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, जो 20 होम आइसोलेशन में, एक आर्मी अस्पताल और एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में, और आज फिर से एक कोरोना पेशेंट कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। और इन्हीं कुछ खबरों के साथ आज का समाचार यही समाप्त हुआ। नमस्कार।